इसलिए मुझे आप लोगों ने दिल्ली से दौड़ाया और मैं भागते भागते सबसे मिली। मैं माननीय गडकरी जी से भी मिली क्योंकि ये समझ में नहीं आ रहा था कि रेलवे बनाएगा या एनएच बनाएगा, और क्योंकि दोनों विभाग दिल्ली से गवर्न होते हैं तो वाकई इस काम के लिए मुझे एक दो बार दिल्ली भी जाना पड़ा। और अब मुझे बहुत ही बताने में खुशी है कि अभी थोड़ा सा इसका पेपर वर्क बाकी है और भगवान ने चाहा एक दो हफ्ते में इसका टेंडर हो जाएगा। हम तब तक कुछ नहीं कहेंगे जब तक एक बार पूरी तरीके से टेंडर प्रक्रिया हो ना। पर अभी जो हम फोन पे लगे थे उसके अधिकारी से ही बात कर रहे थे कि भाई हम अनाउंस करने से पहले कल आपसे पूछ ले कि कब तक आप करेंगे, तो बस एक जगह एक साइन होना बाकी है और फिर इसका कार्य प्रारंभ हो जाए। बाकी जो भी आपकी छोटी बड़ी समस्या है, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है, जटिल इशू है, इसीलिए मुझे बहुत टाइम लगा, आगे भी कुछ टाइम लग सकता है। आपने वादा किया था पूरा किया, थोड़ा समय दीजिएगा। हो गया इतना टेक्निकल काम था, ठीक है, रेलवे बनाया या एनएच बनाया, देखा जाए बहुत बहुत से जल्दी का। आप डीआरएम डीएम बहुत मालूम, डीआरएम साहब से मिले और हम बता भी नहीं सकते। फूल सिंह ने सब बताया था हम लोगों से, कभी तो टेंडर हो रहा, ठीक समय समय में मुझे बताते रहिएगा। ये मेरा घर है, मेरा बहुत दिली लगाव है इस इलाके से, और आप सबसे मैं बस ये निवेदन करूंगी कि हमारे कहने से जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है, महिला प्रत्याशी है, पढ़ी लिखी, अच्छे नेचर की, अच्छे स्वभाव की, एक शालीन नेचर की प्रत्याशी है, तो उनको सर्वोदय नगर से अध्यक्ष पद के लिए भारी मतों से विजयी बने। जो भी छोटे बड़े काम हैं, क्योंकि ये मोहल्ला मेरा बहुत ही तीन खास मोहल्ला है, तो यहाँ के सारे काम की मैं पर्सनल जिम्मेदारी लेती हूँ, पानी से लेकर सड़क से लेकर बिजली से लेकर जो भी काम है वो मुझे कराता है। पर ये है कि हम पालिका हाथ में रहती है तो हम लोग चार का काम कराते हैं। पिछली बार मुझे याद है 5 साल पहले जब मैं यहाँ आई थी, हम लोग ने मीटिंग पार्क के कहीं लगाई थी जब मेन रोड टूटी हुई जी जी जी, और मैं वादा करके गई थी कि सबसे पहले मैं जीतूंगी तो मैं ये रोड बनवाऊंगी जी जी, माता रानी के आशीर्वाद से मैं जीती और वो रोड भी बनी जी जी। तो काम मुझे नहीं कराना है, जैसे अभी अर्जुन चाचा